रवि फसल सीजन जिसमें सिंचाई के समय हो रही विद्युत कटौती और गांव-गांव में डीपी ना होना गांव के किसानों के लिए समस्या बनी हुई है, जिसके चलते आज लगभग आधा सैकड़ा के करीब खमारपानी क्षेत्र के ग्रामीण विद्युत विभाग पहुंचे और 3 घंटे से अधिक समय तक प्रदर्शन किया। विद्युत विभाग मुर्दाबाद के नारे लगाते रहे। जैसे ही पुलिस को जानकारी मिली कि थाना प्रभारी और साथ में चौकी प्रभारी दल बल के साथ मौके पर पहुंचकर किसानों को शांत किया। विद्युत विभाग की लापरवाही मनमाने रवैयों को देखते हुए खमारपानी क्षेत्र के किसानों ने विद्युत विभाग पर सब कार्यालय पर जाकर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। किसानों ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि 2 HP के कनेक्शन के नाम पर अधिक रुपए किसानों से लिए जा रहे हैं। विद्युत विभाग खमारपानी में निरंतर ट्रांसफार्मर की समस्याओं को लेकर किसान परेशान हो रहे हैं। विद्युत विभाग खमारपानी में किसानों द्वारा बार बार शिकायत करने पर संबंधित विभाग अधिकारी संतोषजनक जवाब नहीं दे रहे हैं, इससे किसान आक्रोशित है। इस हेतु समस्त किसानों द्वारा समस्याओं का निराकरण हेतु निम्न बिंदुओं पर ज्ञापन दिया। रात्रिकालीन वितरण बिजली समय को प्रातःकालीन समय में बदला जाए। जहां पर ट्रांसफार्मर की क्षमता से ज्यादा भार वाले क्षेत्र है उनका तत्काल सर्वेक्षण का नया ट्रांसफार्मर लगाया जाए। रोज ट्रांसफार्मर खराब हो चुके हैं, उनको जल्द से जल्द ठीक किया जाए। विद्युत अधिकारी कर्मचारी क्षेत्र में जाकर किसानों से पैसे की अवैध वसूली करते हैं, ऐसी विभिन्न समस्याओं को लेकर ज्ञापन दिया गया है। साथ ही किसानों ने विद्युत विभाग के अधिकारी को चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही इन समस्याओं का समाधान नहीं किया गया तो आगामी समय में उग्र आंदोलन किया जाएगा। जनपद अध्यक्ष सतीश भलावी साथ ही खमारपानी क्षेत्र के विभिन्न पंचायतों से आओ नव निर्वाचित सरपंच सैकड़ों की संख्या में किसान इस दौरान मौजूद रहे। बिछुआ से आकाश कुछ की रिपोर्ट। आपने कब पटाया? 7 तारीख। 7 तारीख को कितना रुपए पटाया आपने? 5,650 रुपये। कहाँ रहते हो आप? धौलपुर। रसीद दिए क्या? रसीद मेरे घर में रह गई, ये कहा तो वो भी सब हमने घर में रख के। तो आप क्या चाह रहे हो? अब कितना किया है उत्ता है बोलने लगा बाबूजी। सुपरवाइजर साहब था वो ठेकने वाला, उसने भेजा बाबू के तरफ। बाबू ने बिल आए तो बिल कोई पटा। अब वो मैसेज वाला कोई किसी को समझता है किसी को नहीं समझता। जाते हैं वो रीडिंग वाले उन्हीं को पैसे देते, वो जेब में रख लेते। मेरे साथ हुआ ना, मैं खुद आई अभी यहाँ सितम्बर को पटाई थी मैंने 200 रुपये। उसके बाद आई अक्टूबर और नवम्बर का, तो न मैंने आई थी सर, मैंने बोली मेरे को मैसेज समझता नहीं तो मुझे बताइए, पुराना बिल लेके आई। तो वो बोले 530 रुपये। मैंने कहा ऐसा कैसा 500, मुझको बिल्कुल यही थोड़ी समझे। फिर चमकाई मैंने चिल्लाई तो उनने बोला 230 दे दो मैडम। बोले 230 दे, 500 का मैसेज आया 530। तो ऐसे मेरे साथ कर रहे तो जनता के साथ क्या नहीं करते हो? हाँ जनता के साथ क्या नहीं, हम कुछ नहीं चाहते। चाहे हम 12-11 बजे बाद लाइट ना दो, परंतु सुबह 12 घंटे लाइट चाहिए, इधर खाना बना 10-11 बजे तक। अच्छा ये जानकारी मिल रही है कि क्षमता से अधिक से चार्ज भी ले रहा है आपसे, क्या है ये मामला? अरे जो जैसा जिसका TC जो है, अभी कल ही हमारे यहाँ से एक व्यक्ति आया था कि कहाँ से कहाँ रहते? धौलपुर। नहीं ये बताए भाई, मेरे को बताए भाई, बोले मैं आज वो TC पटाने गया तो बोले नहीं, बोले हम चेक करेंगे जब देंगे कितना, बोले 5700। तो यानी कि यहाँ नहीं पटा रहे, यहाँ ऑफिस नहीं है, हर खेत में हर किसान के खेत में ऑफिस है, तो वहाँ से वो क्या बोलते हैं TC लेगा, खेत में ले ले। हाँ तो वहाँ पे ज्यादा मुंह भराने के लिए मिलेंगे, घर में ले ले रहे हैं। हाँ ऐसा हो तो फिर ऑफिस ये क्यों छूट बनाई इस गवर्नमेंट ने? तो हाँ जानते हैं ठेकेदारी है, जो आपका हक के जो अपने हक में है तो आप बोल सकते हैं, जनता किसान के हक में। एक तो बारिश से जनता वैसी परेशान है, बारिश से मका हर चीज से कर्जा, कोई कहीं से फंसा कोई कहीं से पर, और फिर अभी भी ऐसे कर रहे हैं तो फिर कि जनता कैसे। अच्छा आप क्या चाह रहे हो अधिकारी से? अधिकारी से यही चाह रहे हैं कि हमको बिल्कुल बिजली प्राप्त मिलना चाहिए और कोई किसान के साथ धांधली नहीं करना चाहिए। जी आपके कर्मचारी जो भी। आपका परिचय? सेवंती हुई के धौलपुर ग्राम पंचायत घाट काउंटर। बताइए आज किस विषय में आपने ज्ञापन दिए और एकत्रित हुए आप यहाँ पर? आज हम लोग हमारे खमारपानी क्षेत्र में विद्युत समस्याओं को लेकर एकत्रित हुए थे, जिसमें 3-4 हमारी मांगे थी। रात्रिकालीन वितरण बिजली, जो रात्रिकालीन में जो बिजली दी जा रही है किसानों को, वो दिन में दी जाए, और जहाँ पर ट्रांसफार्मर की क्षमता से ज़्यादा वाले भार है उनका तत्काल सर्वेक्षण कर नए ट्रांसफार्मर लगवाया जाए, और जो ट्रांसफार्मर खराब हो चुके हैं वहाँ पर जल्द से जल्द नवीन ट्रांसफार्मर की स्थापना की जाए,
और इसी के साथ साथ विद्युत विभाग के जो कर्मचारी है जो अवैध वसूली कर रहे गांव में, जैसा कि अभी हम लोगों के संज्ञान में आया कि दो एचपी का जो हम लोगों ने लिस्ट देखा तो समथिंग उसका 3100 रुपये कुछ है, लेकिन हमको किसानों द्वारा बताया गया कि कम से कम 5000 से ऊपर की राशि उनके द्वारा ली गई है। हम लोगों ने प्रशासन से यही मांग की है कि ऐसे कर्मचारी के ऊपर कार्रवाई की जाए और जो हमारी जो 4 मांग है उनको उनका निराकरण किया जाए। अच्छा, आपकी मांगे पूरी नहीं होती तो आप आगामी समय में क्या करोगे? हम लोगों की अभी बैठक हुई है और उसमें हम अभी रणनीति बन चुकी है हमारी कि आगामी यदि हमारी मांगों को पूरा नहीं होता तो आगामी चक्का जाम का रणनीति चल रही है। अधिकारियों ने क्या आश्वासन दिए? अभी अधिकारियों द्वारा खराब ट्रांसफार्मर को सुधारने के लिए 3 दिन का समय लिया गया है और जहाँ पर ये वोल्टेज बढ़ाने के लिए 8 दिन का समय मांगा गया है, तो अब देखते हैं 8 दिन के बाद यदि भी होता नहीं तो फिर हम आंदोलन करेंगे। आपका परिचय? सतीश भलावी। सर, जो आज खमार पानी धरना प्रदर्शन हुआ है, लोगों ने आपको आरोप लगाया है, एमपी को आरोप लगाया है कि ज़्यादा वसूली की गई है। जो कंपनी के जो दिए हैं, कंपनी के जो रेट डिसाइड है, वो टेस्ट रिपोर्ट ये के बाद बोल रहे हैं, वो टेस्ट रिपोर्ट यहाँ देना नहीं, जो भी ठेकेदार से फार्म भरवा के लाएँ एक्स्ट्रा, वो ठेकेदार जो भी उनके 200 रुपये 500 रुपये लेते हैं, वो क्या यहीं वो उसी के कारण बता रहे कि ज़्यादा है। और एक्चुअली क्या फेस टू फेस वाले की 3 HP कट रही है, 5 HP के करंट लेते हैं जिसके कारण वो 3 HP के कट। और सर, ये भी जानकारी लग रही है लोगों के द्वारा कि मतलब आपके जो लाइन में है कर्मचारी है, किसी के यहाँ की लाइन में अभी उससे ही पैसे लिया जाता है, 100 रुपये 200 रुपये 300 रुपये तक लिया जाता है। नहीं, ऐसे तो हमको कोई अवगत कराएगा इन्हें, आज ही पता चल रहा है इसके बारे में, हमें इसकी जानकारी मिल नहीं। एक दो कर्मचारी का आपके पैसे तो एक वीडियो भी है ग्रामीण द्वारा बनाया गया, क्या कहोगे इस संबंध में? नहीं, हम देखेंगे उसको, हम पूछते हैं क्या है कि कैसे लिए, क्या किस कारण है, कभी क्या है ऐसे कि वसूली भी करते हैं, कई किसान ऐसे भी उपभोक्ता लगा देते बिलियन के साथ ही है, पहले उसकी हम जानकारी लेंगे उसके बाद हम उसको कुछ बोल पाएंगे कि हम ऐसे ही। और सर, ये ग्रामीण लोग बोल रहे हैं कि धरना उग्र आंदोलन करेंगे अगर समस्या हल नहीं हो तो क्या कहेंगे? अभी हमारे बड़े साहब ने भी कार्यपालन अभी अंत ने भी 3 दिन का टाइम मांगे हैं कि 3 दिन बाद हम जो खराब ट्रांसफॉर्मर है उसको बदल दिया जाए। ठीक सर, ठीक है। आपका परिचय सर? साहिब अभी अंत बिचवन महेश सलामी।